कोरोना काल में बहुत सारा कंटेंट बनाया गया लेकिन देखा नहीं गया, क्योंकि मेकर्स ने इस दौर की पाबंदियों का ताप अपने क्राफ्ट तक पहुंचने दिया। ये चर्चा छिड़ी 1 सितंबर को अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई मलयाली फिल्म सी यू सून की वजह से। ये फिल्म लॉकडाउन के 3 महीनों में पूरी तरह आईफोन के कैमरे पर शूट की गई, मगर ये किसी भी तरीके से कोरोना वायरस या इस दौर से जुड़ी हुई नहीं है। आप फिल्म देखने बैठेंगे तो टाइटल को थोड़ा अटपटा पाएंगे, लेकिन ख़त्म होने के बाद पता चलता है कि यहाँ उम्मीद की बात हो रही है, एक दिन सब कुछ बेहतर हो जाने की उम्मीद। फिल्म की कहानी क्या है? 2019 में अनुमोल और जिमी की टिंडर पर मुलाकात होती है। जिमी एक बैंक में काम करता है और मस्त सिंगल लाइफ जी रहा है, वहीं अनु दुबई में रहती है। इसके अलावा हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। एक हफ्ते तक दोनों की बातचीत होती है, जिसके बाद जिमी अनमोल को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। इसके बाद वो अपने कजिन केविन से कहता है कि इस लड़की का बैकग्राउंड चेक करके बताए। केविन को हैकिंग का कीड़ा है, कहीं ना कहीं वो इसकी नौकरी का हिस्सा भी है। केविन लड़की का बैकग्राउंड चेक करता है और जिमी को बताता है कि कोई झोल नहीं है, सब कुछ सेट हो चुका है। अचानक एक दिन अनु जिमी को वीडियो कॉल करके अपने घाव दिखाती है, उसे किसी ने बुरी तरह पीटा है। जिमी अनु के पास पहुंचता है और उसे अपने घर ले आता है, अनऑफिशियली लिव इन। लेकिन एक दिन अनु अचानक गायब हो जाती है। अपना कीबोर्ड पीट कर केविन अनु का पता लगा लेता है, लेकिन इस दौरान उसे कुछ ऐसा पता चलता है जिससे तीनों किरदारों की जिंदगियों में तूफान आ जाता है। क्या, क्यों और कैसे होता है, इसके लिए आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। अब परफॉर्मेंसेस की बात। फिल्म में जिमी का रोल किया है चोक्ड वाले रोशन मैथ्यू ने, एक दिल फेक लड़का जिसे एक सिंपल सी लड़की से प्रेम हो जाता है। लेकिन उस सिंपल सी लड़की की कहानी बहुत जटिल है, जिसमें जिमी उलझ जाता है। रोशन फिल्म की शुरुआत से हमारे साथ रहते हैं, इसलिए उनके साथ एक कनेक्शन बन जाता है। उनकी गर्लफ्रेंड और रहस्यों की पोटली अनमोल का किरदार निभाया है दर्शना राजेंद्रन ने। कैमरे पर हंसती मुस्कुराती लड़की, जिसकी असली कहानी फिल्म शुरू होने के पहले ही घट चुकी है। केविन उसकी कहानी का पता लगाता है और अपने साथ साथ हमें और जिमी को ही बताता है। केविन बने हैं फहाद फाजिल, मलयाली सिनेमा में ऑफ बीट फिल्मों के बड़े खिलाड़ी। केविन एक ऐसा किरदार है जिसे कोई भी अपने सर्किल में नहीं चाहेगा। वो जबरदस्ती एक गेम का हिस्सा बना दिया जाता है, जिससे उसका जीवन और सोच काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाता है। इस किरदार की यात्रा आप इसके चेहरे पर पढ़ सकते हैं। चिढ़, अफसोस, निराशा, गुस्सा और आखिर में सब कुछ पहले जैसा या उससे बेहतर कर देने की एक छोटी सी कोशिश। सी यू सून की सबसे अच्छी बात यह है कि फिल्म शुरू होती है और आप उसकी जद में समा जाते हैं। आपको फिल्म के कॉन्सेप्ट से रूबरू करवाते हुए ये जिमी और अनु की लव स्टोरी को एस्टैब्लिश कर देती है। इसके बाद ये फिल्म इतनी एंगेजिंग हो जाती है कि आप अपने दिमाग में एक के बाद एक फैन थियोरीज गढ़ते और ध्वस्त करते रहते हैं। फिल्म का आइडिया बहुत अलग नहीं है। अभी हाल ही में आई फ्लैश और खुदा हाफिज इसी मसले के इर्द गिर्द थी, लेकिन उनमें कोई भी फिल्म या सीरीज अपने विषय के साथ इतनी गंभीरता या संवेदनशीलता नहीं बरत पाई। ऊपर से सी यू सून स्टोरी के ट्रीटमेंट को लेकर अलग ही लेवल पर चली जाती है। इसमें फिल्म की लंबाई भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फिल्म में डायलॉग्स के नाम पर कीबोर्ड की आवाज़ सुनी जा सकती है, क्योंकि इस फिल्म का अधिकतर हिस्सा कंप्यूटर और मोबाइल फोन स्क्रीन पर बीतता है। लोगों के बीच बातें नहीं, चैटें हो रही हैं, और ये सब कुछ देखकर हद से ज़्यादा नॉर्मल लग रहा है, नया लग रहा है। फिल्म में आपको एक सीन ऐसा नहीं मिलेगा जो कहानी में कुछ जोड़ ना रहा हो या कहानी के बहाव को रोक रहा हो। यहाँ अचानक से कुछ नहीं होता, टेंशन बिल्ड होता चला जाता है। बैकग्राउंड स्कोर इस टेंशन को हम तक पहुंचाता है। फिल्म का म्यूजिक गोपी सुंदर ने किया है। सी यू सून में एक बड़ी अजीब चीज़ देखने को मिलती है। अनु का किरदार जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है, लेकिन वो अभी भी टिंडर चला रही है। वो बिल्कुल चला सकती है, मगर जो इंसान इतना परेशान है, सेक्स उसके दिमाग में आने वाली आखिरी चीज़ होगी, क्योंकि वो उसे रोज़ पता नहीं कितने लोगों के साथ जबरदस्ती करना पड़ रहा है। ऐसे में जिमी और अनु का फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर के बजाय टिंडर पर मिलना काफ़ी खटकता है। अनु की सच्चाई सामने आने के बाद जिमी का रिएक्शन काफ़ी हैरान करने वाला था, क्योंकि हमने जिमी को अपने जैसा समझा था, लेकिन ये तो कुछ अलग ही बात कर रहा है। मगर फिल्म के आखिर में केविन के समझाने पर फौरन जिमी का हृदय परिवर्तन हो जाता है। ये क्विक ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा आपका भरोसा डिगाता है, लेकिन तब तक आप ये पूरी फिल्म देख चुके होते हैं। सी यू सून इस मुश्किल वक्त में आई बड़ी खास फिल्म है, क्योंकि एक बड़े ज़रूरी सामाजिक मसले की बात करती है। फिल्म को देखने का ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा? सी यू सून इस मुश्किल समय में आई बड़ी खास फिल्म है, क्योंकि ये एक बड़े ज़रूरी सामाजिक मसले की बात करती है, मगर सोसाइटी के चक्कर में फिल्म अपने कलात्मकता के साथ समझौता नहीं करती। बढ़िया परफॉर्मेंसेस से लैस एक मजबूत साइबर थ्रिलर जिसे आपको देख ही डालना चाहिए। थैंक यू।